हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज दिन हो रहा है बुधवार, और आज बुधवार है और अभी हो रही है सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 7 बजे का टाइम हो रहा है। और इधर मैं कर रही हूँ पूजा जल्द फटाफट से, क्योंकि आज बहुत लेट हो गई थी मैं, इसलिए तो इधर मैं जल्दी से कर लेती हूँ पूजा अपनी, दीपक लगा देती हूँ। तो गाइस, मैंने पूजा वगैरह कर ली है, तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर और तुलसी माता पे दीपक लगाने के लिए, क्योंकि वो तुलसी माता रानी है ना, तो वो बढ़ नहीं रही थी, इसलिए किसी ने बोला है कि उसमें दीपक लगा दो। तो वो मतलब पता नहीं क्या कैसा होता है, तो बस मैं वही पूजा करने जा रही हूँ ऊपर। और अभी आज देखना आप लोग कि इतनी अभी मतलब थोड़ी थोड़ी धूप भी हो रही थी, और फिर कुछ देर बाद तो बारिश ही होने लगी थी। तो गाइस, इधर मैं फटाफट से कर लेती हूँ पूजा और सूर्य भगवान को दे देती हूँ। चल की, तो ये अगर आप लोग सर्दियों में हरी मिर्च वाली आलू मटर की सब्जी बनाएं तो बहुत टेस्टी बनती है। उधर मैंने मिर्ची लहसुन अदरक सबका पेस्ट बना लिया है, और आलू भी कट करके रख लिया, और मटर भी, और ये मटर है ताजी हरी वाली। तो बस इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल, और बस इसको गर्म होने के बाद फिर इसमें मैं थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ, और हींग और जीरा दोनों मिक्स कर कर इस हींग से क्या है अच्छा टेस्ट आ जाता है, और थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट फ्लेवर आ जाता है इसमें। तो गाइस, इधर मेरा तेल गरम हो रहा है, तो जब तक मैं इधर मतलब मेरा किंजल से बात कर रही हूँ, इधर गाना चल रहे थे तो डांस भी हो रहा था, क्योंकि किंजल को मैं खिला मतलब उससे बात भी हो रही थी, वो डांस कर रही थी, बोली मम्मा डांस ऐसे। तो इधर मैंने इसमें हींग जीरा डाल दिया, और इधर मैंने प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है। तो बस इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही धीमी आंच पर इसको पकाएंगे। तो गाइस, इधर मेरा पेस्ट अच्छे से पक गया है, कि आज ऊपर से ऊपर ऊपर ऑयल आ गया है। तो इधर अब मैं इसमें आलू को भी मिक्स कर दूंगी, और तो इधर मैंने आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
जिससे कि वो अच्छे से भुन जाए, यानी कि फ्राई हो जाए। और फिर इसमें थोड़ी देर, कम से कम 5-10 मिनट इसको, मतलब 5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे आलू को। फिर इसमें डाल देंगे मटर और वो भी हो जाएगी। फिर आप अपने अनुसार इसको अच्छे से पकने दें, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और तो सिर्फ इसमें हल्दी हल्दी डालकर और इसको रख देंगे ढककर। तो ये देखो मैंने मटर भी इसमें डाल दी है। और इसमें मैं थोड़ा सा पान, मतलब नमक वमक डालने के बाद, नमक थोड़ा सा अपने अनुसार डाल लें, एक चम्मच। और इधर मैंने हल्दी और धनिया और थोड़ी सी ओनली की आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, वो भी पेस्ट बना कर रख लिया है। बस अब इसको ऐसे ही पकने देंगे नमक डालकर थोड़ी देर के लिए, आलू जिससे कि अच्छे से पक जाए। तो गाइस इधर मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए हैं सब। देखो आप लोगों को बिल्कुल भी लाल मिर्च नहीं लग रही होगी। और इसमें मैंने अपने अनुसार पानी डाल देंगे। तो गाइस इधर अभी चली गई है लाइट और बारिश भी हो रही है, तो मैंने कोई वीडियो, इतना अंधेरा हो गया, इतना बहुत ज़्यादा किचन में देखना, आप लोग भी अभी बहुत अंधेरा हो चुका है, इतनी काली घटा सी छाई हुई है बाहर। तो ये इधर मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए थे, लाइट चली गई तो मैंने कुछ फिर वीडियो ही नहीं बना पाया। तो बस इधर इसको ढककर कुछ वैसे बन गई, इसमें धनिया वगैरह टमाटर, मतलब कुछ देर 5 मिनट तक और पकने देंगे और मेरी सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और अभी खाना में मतलब रोटियाँ रह गई हैं, उसको मैं थोड़ी देर से बनाऊँगी। तो ये देखो इतनी तेज बारिश हो रही है कि हर जगह पानी पानी तेज दिख रहा है, हो रही है सर्दी और के मौसम तो में। और सर्दी बढ़ जाएगी बारिश होने के बाद। तो गाइस अभी हो रहा है शाम के बज रहे हैं, 6 बजे का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, यानी कि वो मेरी बुआ सास है ना, पापा की बुआ, वो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कहीं पर भी, बूढ़ी बूढ़ी सी हैं। तो बस उनके लिए खाना लेकर जा रहे हैं, वो भर्ती हैं हॉस्पिटल में, उनको देख भी आएंगे और खाना लेकर जा रहे हैं। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से वहीं पर हॉस्पिटल में। और देखो ये बगल से ट्रेन भी निकल रही है हमारे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस इधर हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल और इन्होंने गाड़ी पार्क कर ली है, पार्किंग में लगा दी है। और देखो बस अभी हम पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल। पहले तो उन बुआ को ढूंढना पड़ेगा कौन से वार्ड में है, क्या है, किधर है। फिर मिलती हूँ वहीं पर आप लोगों से। तो गाइस इधर हम लोग आ गए हैं उनको ढूंढते ढूंढते, अभी पूछेंगे वहाँ पर रिसेप्शन पर, जहाँ पर वो लोग बैठे रहते हैं ना, जहाँ पर्ची वगैरह कटती है, वहीं पर जाएंगे और पूछेंगे कौन से वार्ड में है बुआ। तो बस ये वो नर्स वगैरह है ना, उनसे पूछ रहे हैं कि किधर हैं, उनका नाम लेकर बता रहे हैं। तो उनको खुद पता नहीं है कि किधर है, फिर हम लोगों ने उनका रूम ढूँढ ही लिया था।
तो गाइस इधर हम आ गए हैं बुआ वाले बुआ के पहाड़ में। तो ये बैठे हुए हैं बुआ जी हमारी बुआ सास। तो बस इनसे मिलने के बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।